बोगे बोजुम अपी अतर कुछ नहीं, हम आप लोगों का प्रॉब्लम को समझ सकते हैं क्योंकि ये ऑब्सोलेशन की वजह से बहुत सामने का प्रॉब्लम मिला है, ऊपर से एग्जाम भी इतना सामने आ रहा है, सेल्फ स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्शन के चक्कर में रहकर वोटिंग मारना ऐसे कर करके ना, तो एग्जाम भी सामने आ रहा है तो ऊपर से क्या करेगा, रूम में बैठ के भी हम लोग तो पढ़ने वाला में से तो नहीं है ना, इसलिए आज हम लोग नदी आ गया तो बढ़िया से नहाएगा, ऊपर से इतना दिन का बाद धूप दे रहा है ना, तो आप लोग भी ज़्यादा टेंशन प्रेशर मत लो, आराम से लो और अच्छे से नहाएंगे हम लोग साथ में, उसके बाद हम लोग पढ़ाई भी हम लोग अच्छे से करेंगे ना। तुम तो कुछ नहीं, तुम तो एक बार स्वर के रखे ना, हम मेरा को ये सोच के देखो ना, हम तो ऐसे तुम लोग ऐसे पढ़ के भी नहीं रखे, ऊपर से इतना सारा पढ़ने का सिलेबस है, अभी क्या सिलेबस को पढ़े उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग ऐसे पढ़ के रखे तो कुछ नहीं था ना, तुम लोग तो आराम पास हो जाए, लेकिन हम तो खुद को भरोसा नहीं हो रहा इस बार ना, अगर फिर होने से तो घर जाके मुंह दिखाने का लायक नहीं होगा, माँ बाप लोग क्या बोले होगा, उन दोस्त लोग भी, तुम लोग तो आराम से निकल ही जाएगा ना, तुम लोग बेकार में टेंशन मत लो, हम कुछ भी पढ़ के नहीं रखे इसमें, बहुत टेंशन है। क्या ही बोलेगा, तुम लोग भी उपाय नहीं, ज्यादा मजाक करते रहे, कुछ नहीं दोस्तों, ज़्यादा टेंशन प्रेशर मत लो ना, आराम से ये करो, अभी भी समय तो रहा है, इवन हम लोग खुद भी पढ़ के ना रखें, क्योंकि हम लोग हर दिन हर रात हम लोग एक साथ ही तो रहते रहते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे पढ़े, तुम लोग तो मालूम ही है, और हम लोग भी तो लॉन्ग प्रिपरेशन करने वाला में समय, हम लोग भी शॉर्ट स्टडी करने वाला है, शॉर्ट प्रिपरेशन करने वाला है ना, जब एग्जाम सामने आएगा तब करने वाला इंसान है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग एडवांस ये सिलेबस कम्प्लीट करेगा, ऐसे तो नहीं है ना, तो तुम लोग ज़्यादा टेंशन प्रेशर मत लो, क्योंकि हम लोग बाद में यहाँ से नदी से नहा के जाके हम लोग अच्छा से अपना टेबल में बैठ के पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन नहीं टेंशन तो हर आदमी को रहता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन प्रेशर मत लो, अच्छे से हम लोग को बुक्स में फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत का बात है ना, बात में ना तो हम लोग अपना घर वगैरह जाने से अभी वहाँ से या पहले बोलने से, इसलिए अच्छे से ये करके फोकस करके पढ़ेगा हम लोग, समय अभी थोड़ा है। इसलिए दोस्त एकदम खुशी से रहना, अरे किसे कॉल आई है दोस्तों, एक सेकंड ना, मेरा कॉल आया, हम थोड़ा उठाएगा पक्का, कोई ना कोई आता, हम कॉल पिकअप कर रहे हैं, हाँ अरे हेलो दोस्त बोलो, अभी दोस्त मेरा दोस्तों के साथ में हम नदी में ना, हम लोग नदी आए नहाने के लिए, घर में बढ़ के बहुत बोरिंग था, रूम में बैठे, इसलिए हम लोग नदी आए, अपी अतर भोगा अंगा हम लोग सब एक साथ आए नदी में, तो अभी आने के लिए थोड़ा लेट होगा, बाद में हम लोग आफ्टरनून का समय हम लोग वापस एक साथ आ जाएगा ना, तो उसमें ऐसे मीट करेगा, ठीक है, अभी हम दोस्तों के साथ हैं, ओके बाय। अरे ये बुड्ढा कौन है, देखो ना तुम लोग का पीछे में कर रहा है, तो कहीं देखा देखा जैसे लग रहा है, शायद ये जगह का मालिक तो नहीं है ना। देखो बच्चों, मैं इस नदी में 3-4 सालों से मैं रह रहा हूँ, तो इसका देखभाल करके, तो खास करे तुम लोग इस धूप का मौसम में यहाँ मत आया करो, क्योंकि ये नदी में बहुत सा बच्चा हर साल मर जाता है, तो ऐसे धूप का समय में नहाते नहाते मर जाता है, तो तुम लोग भी मर भी सकता है इस धूप का समय में, यहाँ पे खास करके मत नहा, और ये जगह को बिल्कुल गंदगी मत करो, समझा बच्चों? क्या बुद्धा तुम कहना क्या चाहते हैं, और तुम कौन है हम लोग ऐसे बोलने वाले हैं? देखो बच्चों, मैं इस नदी का देखभाल करता हूँ काफी 3-4 सालों से, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को बता रहा हूँ, मानना है तो मान जा, नहीं तो तुम लोगों का मर्जी। क्या अगला सच में बोल रहे क्या, तब तो बहुत भयानक सुनते हैं, तो ऊपर से हम लोग बहुत एग्जाम का टेंशन प्रेशर था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके भी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम दोस्त हम 5-6 एक साथ घूमने के लिए आया था, तब तो हम लोग नहीं नहाया, तब तो दोस्तों हम लोग वापस जाएगा ना, अंकल जो बताया वो तो दरअप ना सुन रहा, तब तो हम लोग को वापस जाना चाहिए, है कि नहीं? चलो ठीक है सर, एक साथ घर वापस जाएंगे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का मेन मकसद वही था कि मैं और मेरा फ्रेंडशिप, मेरा बेस्ट फ्रेंड चारों, हम सब एक अननोन प्लेस पे गया था, और वहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ डिस्कशन कर रहा था, जैसे हम लोग अपना एग्ज़ाम के बारे में, हम लोग टेंशन प्रेशर को, हम लोग एक दूसरा को अपना टेंशन प्रेशर हम लोग एक्सप्रेस कर रहा था, तो इस वीडियो में किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, तो ये जस्ट हम लोग अपना फ्रेंडशिप का आपस में हम लोग डिस्कशन चल रहा था, और साथ ही साथ में अगर आप लोग, आप सभी लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकता है, ताकि
नेक्स्ट में आप किस तरह का वीडियो देखना चाहेंगे, वो आपका पनीस भी हो सकता है या आपका इमोशनल सेड वाला, आपका एंग्री वाला वीडियोस भी हो सकता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप वीडियो को पसंद तो, और आप अगर अगला बार किस टाइप का वीडियो देखने का मन करें तो। और दोस्तों लास्ट में मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो को पसंद आए तो आप लोग शेयर कर देना ताकि मैं और इसी तरह का वीडियो आप सभी लोगों के लिए मज़ेदार वीडियो ला सकूं। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद मेरा वीडियो के साथ बने रहने के लिए। सो थैंक यू ऑल।